ये हमारे पूटी नाम है। आज तक यही हमारे माता पिता भाई बहन सब यही था। अब तुम आ गई हो बूटी राम, आज से ये तुम्हारी मालकिन है, मैं नहीं। इनका ख्याल रखना वरना नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। और ये है हमारा घर। तुम्हारे कराली बाबू जैसा तो नहीं है लेकिन हमारे लिए ठीक है। बैठो ना अजीत। बूटी राम चाय तो ले लो। बैठ आओ सत्य। आओ देखो सत्या, तुम ऐसे घर आई हो जहां ना तुम्हारी सास है ना ननद। कहने को मैं अकेला हूं। मैं भी तो अकेली थी। और तुम्हें अक्सर अकेले ही रहना पड़ेगा, मेरा काम ही कुछ ऐसा है। अकेली क्यों, मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगी। फिर तो अजीत की हो गई छुट्टी। किसी की भी छुट्टी नहीं, कुटीराम की भी नहीं और अजीत की भी नहीं। मैं तुम्हारा घर बसाने आई हूँ, तोड़ने नहीं। अच्छा, जब मेरा अगला केस होगा तब मैं तुम्हें अपने साथ रखूंगा, देखूंगा कितनी मदद करती हो। मदद जरूर करूंगी लेकिन कुछ कर ना पाऊ तो मैं नहीं जानती। मेरे साथ रहोगी सब समझ जाओगी। तुम्हें मालूम है ऐसे ही किसी केस में मेरी मुलाकात अजीत से हुई थी, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, इसे मैं अपने साथ ले आया जैसे तुम्हें ले आया। पुटीराम भी ऐसे ही मिला क्या? पुटीराम नहीं, वो तो पहले से ही है। अच्छा तुम्हें ये केस कैसे मिलते हैं, कैसे पता चलता है कहाँ तुम्हारी जरूरत है? कभी अखबारों से, कभी कोई खुद चला आता है, कभी कभी कुछ नहीं, बेकार घर बैठा रहता हूँ। इसीलिए तो तुमसे शादी की है ताकि बेकारी के दिन भी काम आए। अच्छा तो मैं तुम्हारी बेकारी का इलाज हूँ। सिर्फ बेकारी क्यों, अब तो तुम मेरी हर धड़कन के साथ हो। आज कोई खास खबर नहीं है। अरे है कैसे नहीं है, धांसू खबर है। सत्या उसे भी आ जाने दो, उसे पता तो लगे क्या काम करते हैं। आ जाओ बैठो। आज अखबार में खबर है दो जाने माने आसामियों का शुभागमन हुआ है। कौन है वो? एक तो है शरद चंद्र चटर्जी के चरित्रहीन, जिनका आगमन विचित्रा सिनेमा हॉल में हुआ है। और दूसरे हजरत है रमानाथ नियोगी, जिनका शुभागमन अलीपुर जेल से हुआ है। शरद चंद्र के चरित्र इनको तो पहचानती हूँ लेकिन ये रमानाथ नियोगी कौन है? चरित्रहीन की तरह रमानाथ नियोगी भी अपने वक्त के काफी शोहरत याफ्ता लोगों में से है। 8 साल पहले हर अखबार में मोटे मोटे अक्षरों में इनके कारनामे छपते थे। वो तो ठीक है लेकिन हजरत है कौन? होने को तो सीधी साधी भाषा में चोर है लेकिन छोटे मोटे धोती लोटा मार का चोर नहीं है। उनकी नजर हमेशा ऊंची थी, मारो तो शेर लूटो तो लाखों, ऐसे तेज तरार और चौकस चोर आजकल नजर नहीं आते। ये तो दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ऐसे महानुभाव आजकल बिल्कुल गायब है। निराश होने की कोई बात नहीं है, ये जो महानुभाव अब छूट कर आए हैं तो चुप बैठने वालों में से नहीं है। तुम देखना ये रमानाथ नियोगी जरूर कुछ ना कुछ गुल खिलाएगा। हेलो नमस्कार नमस्कार, कैसे याद किया? खून हो गया? ठीक है मैं अभी आता हूं। आप पुलिस से कहिए कि लाश जैसी है वैसी पड़ी रहने दीजिए, हमें सिर्फ एक बार देखूंगा। अभी पहुंचता हूं। महाराजा रमेंद्र सिंह यहाँ के बड़े जमींदार हैं, उनके सेक्रेटरी का खून हो गया। चलो अजीत। सत्या तुम्हारे आने के बाद ये पहला केस है, साथ चलोगी? ना बाबा ना, मुझे खून खराब अच्छा नहीं लगता, तुम ही जाओ। कहीं ये जेल से छूटने वाला रमानाथ नियोगी का काम तो नहीं है? क्या मालूम, देखते हैं। तस्वीरें ले ली हैं? जी। आपको किसी पर शक है? जी नहीं। कोई सामान चोरी हुआ है? जी नहीं।
एक दो चीजें जरा नोट कर ले। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दीजिए, कल शाम तक रिपोर्ट मिल जाएगी। जी हाँ। ठीक है, मैं कल शाम पुलिस स्टेशन आ जाता हूँ, रिपोर्ट पढ़ने के बाद देखते हैं क्या किया जा सकता है। आप कल शाम घर पर ही? जी हाँ, मैं घर पर ही हूँ। ठीक है, मैं सीधे पुलिस स्टेशन के बाद आपके यहाँ जाता हूँ। चलो लाश उठाओ। कुछ और है? हरिहर जैसे सच्चे और ईमानदार नौकर बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और उसी की हत्या हो गई, और वो भी एक पार्श्विक हत्या। हालांकि उसकी पुरानी जिंदगी कुछ अच्छी नहीं थी, और आप तो जानते हैं कि ऐसे गुमराह लोगों को अच्छे रास्ते पे लाने की हमेशा मेरी कोशिश रही है। हरिहर की पिछली जिंदगी अच्छी नहीं थी? क्या किया था उसने? चोरी, डकैती, 2500 बार जेल जा चुका था। पिछली बार जब जेल से सीधा छूटकर मेरे पास आया। एक मिनट। हरिहर के बारे में अखबार में पढ़ा तो जरूर है, लेकिन वो इतना कम है कि उससे कुछ खास पता नहीं चलता। आप यूं सोचिए कि हमें कुछ नहीं मालूम, शुरू से सब बताइए। ठीक, मैं शुरू से बता देता हूं। आज से करीबन 6 महीने पहले, अप्रैल का महीना था, हरिहर पहली बार मुझसे मिला। हजूर, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, इसलिए आपके पास आया हूँ। आप मुझे बचा लीजिए हुजूर, मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूँ। क्या करते हो? आपसे झूठ नहीं बोलूँगा हुजूर, मैं कल ही जेल से करीब 7 साल बाद छूटा हूँ। 7 साल की जेल? क्या किया था तुमने? हुजूर, सजा 8 साल की थी, लेकिन इस बार जेल में मुझे अपने आप से नफरत हो गई। सोचा ये भी कोई जिंदगी है। मैंने कसम खाई कि बस बहुत हो चुका, अब मुझे सुधरना चाहिए। मैंने सच्चे मन से जेल के सारे नियम कानून पालन किए, जेल में पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। मेरे अच्छे चाल चलन की वजह से मेरी सजा कम कर दी गई, करीब 1 साल पहले छूट गया हजूर। कितनी बार जेल गए हो? हजूर, जेल जाना मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। पिछले 30-35 सालों में मैं 6-7 बार जेल जा चुका हूँ। चोरी, डकैती, जालसाजी, सब कुछ किया है, लेकिन अब और नहीं। आपका नाम सुना है, आप दयालु हैं, लोगों को समाज में वापस लाने में मदद करते हैं। अगर आप मुझे एक बार सच्चे रास्ते पर चलने का मौका दें तो मैं आइंदा कभी ख़राब रास्ते पर नहीं जाऊँगा। आपकी मुझ पर मेहरबानी होगी हुजूर। क्या काम कर सकते हो? पढ़ाई लिखाई करने का हुजूर मौका ही नहीं मिला, बचपन से सजा भुगत रहा हूँ, फिर भी अपनी मेहनत से शॉर्ट एंड टाइप सीखा है हुजूर। सिर्फ यही सोचकर कि जिंदगी सुधारने के लिए कुछ तो काम जानना चाहिए, अगर आप एक मौका दें। उसकी बातें सुनकर पता नहीं क्यों मुझे उस पर तरस आ गया था, और ऐसे गुमराह लोग हमेशा मुझे अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। हालांकि मुझे टाइपिस्ट की जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने उसे 50 रुपए पर रख लिया और उसके रहने का पूरा बंदोबस्त भी कर दिया था। कुछ ही दिनों में मुझे पता चला कि वो काफी मेहनती, होशियार और ईमानदार आदमी है। जो काम उसका अपना नहीं होता था उसे भी पूरे मन से निभाता था। मुझे कब क्या जरूरत पड़ जाए उसका वो पूरा ख्याल रखता था, और उसका इंतजाम भी कर देता था। 3 महीने के अंदर वो मेरे लिए इतना ज़रूरी हो गया था कि उसके बगैर मेरा काम ही नहीं चलता था। कुछ ही दिनों में मेरे सेक्टरी का देहांत हो गया, तब हरिहर को मैंने अपना सेक्टरी बना लिया। इससे आपके दूसरे कर्मचारी असंतुष्ट नहीं हुए? कुछ हुए ज़रूर, लेकिन मैंने किसी की परवाह नहीं की, और अपने लोगों को मैंने समझा दिया कि जो सबसे लायक है उसी मैंने सेक्टरी बनाया है। हरिहर की जो पिछली जिंदगी थी, चोरी डकैती वगैरह, उसका किसी को पता था? हाँ, बुराइयाँ कहीं छुपती हैं क्या? कुछ कानाफूसियाँ भी हुई थी, लेकिन हरिहर का चरित्र इतना बदल गया था कि कोई उसके ऊपर उंगली नहीं उठा सका।
मुझे लगता है कि उसकी गरीबी और बेरोजगारी ने उसे गलत रास्ते पर डाल दिया था, और जब उसके हालात सुधरे तो उसकी बुरी आदतें भी दूर हो गई और सब उसकी तारीफ करने लगे। मुझे नहीं लगता कि उसका कोई दुश्मन है। लेकिन जो हुआ मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई इस तरह बेरहमी से किसी की हत्या कर सकता है। और आपको तो मालूम है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक यह हत्या छुरे के वार से हुई है। मतलब गर्दन पर छुरी बाद में चलाई है? जी, पहले छुरे से मार डाला और बाद में गर्दन काटने की कोशिश की। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, उसे करने दीजिए। मैं चाहता हूं कि आप मेरी तरफ से इस केस की अलग से छानबीन करें। मेरा प्रिय सेक्रेटरी उसकी इस तरह से हत्या करके भाग निकले, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। पुलिस के साथ साथ आप अपना काम करें, आपको कोई एतराज़ तो नहीं? नहीं, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है, पुलिस से मेरी कोई दुश्मनी थोड़ी है। तो ठीक है, आज से ही आप इस काम पर जुट जाइए। बस जुट गया समझिए, सिर्फ आपसे दो तीन सवाल पूछने हैं। पूछिए। आपने बताया कि हरिहर की आखिरी सजा 8 साल की थी और अच्छे चाल चलन की वजह से उसे जल्दी छोड़ दिया गया। जी। जब वो जेल से छूटा सीधा आपसे मिला? बिल्कुल ठीक। 6 महीने पहले? जी। आप हरिहर के बारे में कोई खास बात बता सकते हैं? आप किस बारे में ये बात पूछना चाहते हैं? पूछिए, मुझे जो भी मालूम है मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, मौत से पहले मतलब 2-4 दिन पहले भी हरिहर की कोई ऐसी हरकत, उसके चाल चलन में कोई फर्क या कुछ और ऐसी कोई बात देखी आपने जो कि स्वाभाविक नहीं थी? हाँ, कुछ देखा तो था। लगता है कि वो बहुत डर गया था। क्या बात थी? हर 15 दिन में मैं एक मीटिंग रखता हूँ जिससे कोई भी आकर मुझसे मिल सकता है। दरअसल लोग मुझसे मदद मांगने के लिए आते हैं, किसी को अपने बेटे की स्कूल की फीस, किसी को अपना लगान माफ करवाना है, किसी को अपनी बेटी की शादी। जो भी हो, 3 दिन पहले ऐसे ही मैं मदद मांगने वालों की अर्जियों को देख रहा था। कुछ नहीं महाराज, आप अर्जी देखिए। ठीक है, जाओ कल सुबह 10 बजे आ जाना। क्या बात है हरिहर, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कुछ नहीं महाराज, कुछ नहीं, जरा सर चकरा रहा है। ठीक है ठीक है, तुम जाकर आराम करो। वन माले, क्या हुआ था उसे? कुछ कह नहीं सकता, शाम तक तो ठीक ठाक था। आपने कुछ ऐसा नहीं महसूस किया कि मदद मांगने वाले को देखते ही उसकी तबीयत कुछ खराब सी हो गई थी? हाँ, हो सकता है। हरिहर उस भिखारी को देखते ही परेशान हो उठा। आपने कुछ पता लगाया कि वो आदमी कौन हो सकता है? नहीं, हर 15 दिन के बाद 8-10 आदमी मदद मांगने के लिए आते हैं, मैं किस किस के बारे में पूछताछ करूँ? अच्छा, एक बात बताइए, करीबन 8 साल पहले आपके यहाँ से एक कीमती लाल नीलम चोरी हो गया था? हाँ, गया तो था लेकिन अभी तक वापस नहीं मिला। और उसे हासिल करने के लिए आपने 5,000 रुपये इनाम का ऐलान भी किया था? जरूर किया था। क्या मैं पूछ सकता हूँ वो इनाम आज भी कायम है? अरे कमाल है, यही सवाल मुझसे हरिहर ने भी किया था। अच्छा, कैसे कैसे? तब वो मेरा टाइपिस्ट था और उसे नौकरी में आए 1 महीना ही हुआ था। महाराज, आपका जो नीलम चोरी हो गया था, अगर वो आपको वापस मिल जाए तो आप 5,000 का इनाम देंगे? ये तो बात बहुत पुरानी हो गई है हरिहर, अब तक तो पुलिस ने फाइल भी बंद कर दी होगी। मुझे मालूम है हजूर,
अगर वो नीलम मिल जाए तो? क्यों नहीं, अगर मेरा वही नीलम मुझे वापस मिल गया तो तुम्हारा इनाम जरूर दूंगा। महाराज, अगर आज मैं भी वही सवाल करूं तो क्या आपका जवाब भी वही होगा? हाँ जरूर, लेकिन हरिहर का कातिल कौन है आप जानना चाहते हैं? मेरी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा, और आपको कातिल का पता भी चल गया? जी लगता है पता चल गया, लेकिन कातिल को गिरफ्तार करने के लिए जो सबूत और दलीलें पेश करनी होंगी उन्हें इकट्ठा करना पुलिस का काम है, लेकिन सबसे पहले कातिल का पता लगाना है। एक बार उसका पता लग जाए फिर उसके घर की तलाशी लेकर जो सबूत इकट्ठे करने होंगे वो कोई मुश्किल काम तो है नहीं। लेकिन ये बड़े ताज्जुब की बात है कि आप सचमुच हत्यारे को जानते हैं, आपको पता कैसे चला? आपसे किए गए चंद सवालों के जवाब से। फिलहाल तो मेरा अनुमान है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि मेरा अनुमान गलत नहीं हो सकता। अच्छा तो बताइए हत्यारा कौन है? हत्यारे का नाम है रमानाथ नियोगी। रमानाथ नियोगी, ये नाम तो कुछ जाना पहचाना सा लगता है। अरे अरे ये तो वही है। जी हाँ यही हजरत, 8 साल पहले आपके यहां से काफी हीरे जवाहरात के साथ वो लाल नीलम चुरा ले गया था, और वही उस दिन आपके सामने अर्जी लेकर मदद मांगने आया था, जिसे देखकर हरिहर घबरा गया। क्या कह रहे हैं आप, उस लाल नीलम के लिए तो उसकी जेल में पूरी तलाशी करवाई थी और उसके पास तो कुछ भी बरामद नहीं हुआ? तब शायद उसके पास वो नीलम नहीं था। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अगर 8 साल पहले रमानाथ नियोगी ने वो लाल नीलम चुराया था और फिर तलाशी करने के बाद उसके पास वो नीलम नहीं मिला तो फिर नीलम गया कहाँ? दूसरी बात, मेरी समझ में नहीं आता कि अगर नीलम चुराया था तो उसने हरिहर की हत्या क्यों की? ये हरिहर की हत्या और नीलम की चोरी का आपस में क्या संबंध है? काफी संबंध है, सब पता लग जाएगा। अजीत क्या वक्त हुआ है? 11 बजे। 11, अब आपका और वक्त नहीं लेंगे, आप आज शाम को मेरे यहाँ आने की तकलीफ कीजिए, सब पता चल जाएगा, हो सकता है आपका नीलम भी वापस मिल जाए। मेरा नीलम मुझे वापस मिल जाएगा? ये क्या बात कर रहे हैं आप? जी मैं कोशिश करूंगा, आप 7 बजे आइए तो सही। अरे फिर तो सचमुच कमाल हो जाएगा। क्या हुआ, कुछ पता चला? चल गया, सुबह तुमने ठीक ही कहा था, हत्यारा रमानाथ नियोगी ही है। सच? बिल्कुल, देखा हमारे साथ आते ही तुम्हारी अकल कितनी तेज हो गई है। अच्छा बता तो सही, तुम्हारा ये 7 साल पहले का भारत का गौरव जिसका नाम बड़े बड़े अक्षरों में अखबारों में छपता था, उसने किया क्या था? उसने अच्छा चलो चलो पहले खाना खा लो, काफी देर हो गई है। अच्छा यही करते हैं, खाना खाते खाते बताता हूँ, तुम भी सुनना सत्या, बहुत इंटरेस्टिंग केस है। चलो। तब मैंने अपना काम शुरू ही किया था, तुमसे मुलाकात होने से पहले की बात है। रमानाथ नियोगी ने हीरे जवाहरात की चोरी में धाक जमा ली थी, देखने में आकर्षक था, चुस्त और सतर्क, लगता था किसी राजघराने का राजकुमार है, पहनावा भी हमेशा रईसाना, कभी किसी स्टेट के राजकुमार की पोशाक, कभी ऊंचे दर्जे का विलायती सूट, कभी धनी मारवाड़ी का लिबास, कलकत्ता शहर के रईस और खानदानी इलाकों में तहलका मचा दिया था। आज दत्तन कंपनी में चोरी, कल नेलको ज्वेलर्स, फिर सरकार ज्वेलर्स, 15-20 दिन के अंदर ही 4 लाख के हीरे नदारद हो गए। फिर एक दिन रमानाथ नियोगी की नजर महाराजा रमेंद्र सिंह के बंगले पर पड़ी। धनी रमेंद्र सिंह का शौक था दुर्लभ और नामी हीरे जवाहरात इकट्ठे करने का। एक कमरे में उन्होंने एक
कांच के शोकेस में ये सब हीरे जवाहरात सजा कर रखे थे। काफी पहरा रहता था, फिर भी एक रात रमानाथ नियोगी अपना कमाल दिखा गया। महाराजा रमेंद्र सिंह के पास एक कीमती नीलम था, जिसे उन्होंने खुद बीकानेर के राजघराने से खरीदा था और जिसे वो अपनी भाग्यलक्ष्मी समझते थे। रमानाथ नियोगी ने इसी अनमोल नीलम को उड़ा लिया। फिर नीलम के बारे में तुम्हें कुछ मालूम है? नीलम मतलब नीलम एक तरह का हीरा है, नीले रंग का। तुम्हें मालूम है? ठीक ही तो कह रहे हैं, नीले रंग के हीरे को नीलम ही कहते हैं। हाँ वो तो है, लेकिन तुम्हें एक बात मालूम होनी चाहिए। असल में बात कुछ और है। हमारे मुल्क में नीलम की कीमत उसके वजन से नहीं, उसकी तासीर पर होती है। नीलम शनि ग्रह का पत्थर है, उसका असर अलग अलग लोगों पर अलग अलग तरीके से पड़ता है। अक्सर तुमने सुना होगा कि नीलम पहनने से किसी की किस्मत खुल जाती है, या तो वो करोड़पति बन जाता है या फिर करोड़पति से फकीर। जो नीलम किसी को फायदा पहुंचाता है, वही नीलम दूसरे को नुकसान। इसीलिए नीलम की कीमत उसके वजन से नहीं, उसकी तासीर पर होती है। अच्छा हुआ मेरे हाथ में नीलम नहीं है। फिर वो लाल नीलम मिला कि नहीं? महाराज रमेंद्र सिंह के यहां से करीब 25 लाख की चोरी हुई थी, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा दुख था लाल नीलम खोने का। उन्होंने उसके लिए अपनी तरफ से 5,000 रुपए इनाम ऐलान भी किया। फिर एक दिन रमानाथ नियोगी पकड़ा गया, सारे हीरे जवाहरात मिले, लेकिन आज तक वो लाल नीलम नहीं मिला। वही रमानाथ नियोगी 8 साल के बाद छूटा है, और मुझे यकीन है कि महाराज के सेक्रेटरी के कातिल का पता भी उसी से चलेगा। तुम कह के आए थे 7 घंटों में कातिल को यहाँ लाओगे, क्या सचमुच इन 6-7 घंटों में सब कुछ पता चलेगा? क्यों नहीं, सोच लो ब्योमकेश। अजीत हमारा काम होम्योपैथी की दवाई जैसा है। अगर मरीज के सिम्टम की सही पकड़ मिल जाए तो इलाज मामूली सी बात है, उसी तरह किसी समस्या की सही पकड़ मिल जाए तो उसे सुलझाना मामूली सी बात है। तुम्हें क्या लगता है, केस की सही पकड़ मिल गई? मैं तुम्हें समझाता हूं, आओ सत्या। इस केस की जड़ है रमानाथ नियोगी, और हमारा पहला काम यह होगा उसके बारे में पता लगाना, किस जेल में है या था, उसकी सजा क्या थी, कितने दिन जेल में रहा, और अगर छूट गया है तो कहां है। अजीत जेल डिपार्टमेंट में हमारी पहचान के पंकज बाबू हैं, मुझे यकीन है कि वो सब कुछ छोड़कर पहले हमारी मदद जरूर करेंगे। पंकज बाबू को तो मैं भी जानता हूं, मैं करूं ये काम? हाँ तुम भी जा सकते हो, लेकिन सवाल ये है इस केस को 3-4 घंटे के अंदर ही सुलझाना, इसीलिए मैं खुद ही जाता हूं। पंकज बाबू के यहां से रमानाथ नियोगी की जेल यात्रा या रिहाई की खबर लेकर मैं सीधा उसी पुलिस स्टेशन जाऊंगा जहां ये केस दर्ज है। वहां हर क्रिमिनल का रिकॉर्ड रहता है, वहीं से रमानाथ नियोगी का पता लगा लूंगा, फिर पुलिस की मदद से सर्च वारंट और अरेस्ट वारंट निकलवा दूंगा। मतलब के जैसे भी हो और वो जहां भी हो 7 बजे के अंदर उसे यहां लाऊंगा, इसलिए मैं खुद ही जाता हूं। सिर्फ 3 घंटे और 20 मिनट है, मैं निकलता हूं। Thank you.
आज यहाँ प्रीमियर शो होने वाला है ठीक 7 बजे। अजीत यहाँ 2-3 कुर्सियां लगवा दो। सारा काम हो गया? बस एक काम नहीं हुआ। कौन सा? ये रमानाथ नियोगी का पता ठिकाना तो सब लग गया, उसे गिरफ्तार करके उसके घर की तलाशी भी ली गई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। सिर्फ एक छुरा मिला, जिस चीज की हमें तलाश थी वो नहीं मिली। ये रमानाथ नियोगी चीज को छुपा कर रखने में उस्ताद है। क्या छुपा कर रखा है? वही महाराज का लाल नीलम। तो फिर अब यहाँ क्या करने का इरादा? अब एक जबरदस्त नाटक करना है। मैं रमानाथ नियोगी के अंधविश्वास पर चोट करूंगा, मुझे यकीन है काम बन जाएगा। कैसे? तुम्हें बताया ना, वो लाल नीलम शनि ग्रह का पत्थर है, उसकी खास तासीर होती है, किसी को फलता है किसी को नहीं। मैं रमानाथ नियोगी को यकीन दिलाऊंगा कि वो शनि ग्रह का लाल नीलम उसे फलने वाला नहीं है, वो बर्बाद हो जाएगा, इसीलिए उसे इस लाल नीलम से अलग हो जाना चाहिए। ये क्या बचकाना काम कर रहे हो? कोई भी आदमी इतनी आसानी से ऐसी कीमती चीज से हाथ धो बैठेगा? लो महाराजा रमेंद्र सिंह आ गए, अब बाकी अभिनेता भी आते होंगे। और कौन आने वाला है? रमानाथ नियोगी, इंस्पेक्टर विश्वास और दो गार्ड। आइए आइए पधारिए महाराज। नमस्कार। नमस्कार। अजीत को तो आप जानते हैं। हाँ, हाँ, नमस्कार। ये मेरी पत्नी सत्यवती। नमस्कार। क्यों सब ठीक ठाक है ना? बिल्कुल, बैठिए। और बाकी के सब लोग कहाँ? बस आते ही होंगे। अच्छा, आइए आइए इंस्पेक्टर विश्वास। महाराज आप इस आदमी को पहचानते हैं? हाँ, यही आदमी उस दिन भिखारी बनकर आया था, आज फिर भिखारी बनने वाला है। आइए आप बैठिए। इंस्पेक्टर विश्वास आप तो महाराज को जानते हैं, आप इनके साथ बैठिए। रमानाथ आप आगे बैठिए सामने। आज मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाने जा रहा हूं, यह सच्ची कहानी है। अगर इसमें कहीं कोई गलती नजर आए तो ये रमानाथ नियोगी उसे ठीक कर देंगे। रमानाथ के अलावा इस कहानी से एक और शख्स वाकिफ था, लेकिन अफसोस वो आज जिंदा नहीं है। आज से करीबन 8 साल पहले जब रमानाथ नियोगी पकड़ा गया, तब उसे 8 साल की सजा हुई। उस वक्त हमारे महाराज का वो लाल नीलम ये जेल के अंदर तक ले गया था। किस कुशलता से पुलिस की निगरानी के बावजूद उसने ये लाल नीलम अपने साथ छुपाए रखा, ये चाहे तो हमें बता सकते हैं। नहीं बताना चाहते? कोई बात नहीं। कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि, इतने हीरो में से रमानाथ ने यही नीलम अपने पास क्यों रखा? इसका जवाब है इस पत्थर की एक खास सम्मोहन शक्ति। इसी नीलम के नीले रंग में से एक अजीब सी लाल रंग की आभा निकलती है। रमानाथ इसी नीलम के मोह जाल में फंसा और उसने हमेशा हमेशा उसे अपने पास रखने की ठान ली, लेकिन बदकिस्मती जब किसी का साथ देती है तब उसे वो तबाह करके ही छोड़ती है। रमानाथ का भी यही हाल हुआ। शुरू शुरू में जेल में रमानाथ नियोगी एक दूसरे कैदी के साथ एक ही कमरे में रहता था, वहां इन दोनों की तलाशी ली गई थी, लेकिन वो नीलम कहीं नहीं मिला। क्यों? जेल में रमानाथ के साथ जो दूसरा कैदी था वो था हमारे महाराज का सेक्रेटरी हरिहर रक्षित। हरिहर पुराना घाघ आसामी था, बचपन से ही उसे जेल की हवा खाने की आदत थी। वहां हजारों तरह के चोर उचक्के देखे थे उसने और वहां रह रहकर बहुत चालाक भी हो गया था। जेल के कैदियों के बारे में जो जानकारी रखते हैं उन्हें मालूम है कि कुछ ऐसे कैदी होते हैं जो कि छोटी मोटी चीजों को छुपाने के लिए अपने गले में एक थैली सीध बना लेते हैं, जिसमें जरूरत पड़ने पर रुपया पैसा चरस गांजा छुपाया जा सके। ज्यादातर कैदी नशाखोर होते हैं और गले में इस तरह की थैली बनाने की जरूरत इसीलिए पड़ती है। हरिहर ने भी अपने गले में इस तरह की एक थैली बना ली थी। किस्मत से या बदकिस्मती से दोनों जेल के एक ही कमरे में रखे गए थे, दोनों में दोस्ती हुई। हरिहर ने अपना हुनर रमानाथ को बताया। अरे ये तो कुछ भी नहीं, इतना
अधिकार दिखाऊं? हैं? रमानाथ ने सोचा क्यों ना उससे फायदा उठाया जाए। उसने हरिहर को वो नीलम दिखाया। कुछ ही दिनों बाद हरिहर का उस जेल से दूसरे जेल में तबादला हो गया और यह जेल के रिकॉर्ड में दर्ज है। हरिहर ने रमानाथ के साथ विश्वासघात किया, वो अपने गले में नीलम दबाकर ही चला गया और रमानाथ देखता ही रह गया। उस दिन से रमानाथ ने हरिहर से बदला लेने की ठान ली। उसने फैसला किया कि वो उसको छोड़ेगा नहीं। फिर एक एक करके 8 साल गुजर गए। हरिहर रिहा हुआ, छूटकर वो सीधे महाराज की शरण में गया। तब तक वो सुधर चुका था। उसने ठान ली थी कि वो नीलम महाराज को जरूर वापस लौटा देगा, लेकिन यूं ही नहीं, 5,000 रुपए इनाम के बदले में। उसने सोचा था कहीं और जाकर बेचूंगा तो शायद पकड़ा जाऊं। उसने महाराज के साथ इसके बारे में बात भी की। फिर उसके मन में आया कि ऐसे दयालु और उदार व्यक्ति से इनाम नहीं लेना चाहिए। फिर जो होनी है उसे कौन टाल सकता है। 15 दिन पहले रमानाथ रिहा हुआ। उसके सीने में बदले की आग अब भी धधक रही थी। उसने हरिहर को जाके ढूंढ निकाला। हरिहर से मिलने के लिए भिखारी के भेष में वह महाराज के बंगले पर गया। वहीं उसने हरिहर को देखा। हरिहर ने भी रमानाथ को देखा। हरिहर का मकान उसे आसानी से मिल गया। और फिर उस रात रमानाथ नियोगी, उस रात को तुमने हरिहर का खून करके उसके गले की नली को फाड़ कर वो नीलम निकाला था। कहां है वो नीलम? कहां है वो नीलम? मैंने हरिहर का फोन नहीं किया। मैं नहीं जानता हरिहर कौन है। मैं नहीं जानता कहां है वो नीलम। मेरे पास कोई नीलम उलम नहीं है। आपने जबरदस्ती मेरे घर की तलाशी करवाई और जब वहां कुछ नहीं मिला तो मुझे यहां पकड़ लाए। आप सब गैर कानूनी काम कर रहे हैं। मैं सबकी रिपोर्ट करूंगा। मुझे कानून अच्छी तरह मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। रमानाथ नियोगी, तुम्हें नहीं मालूम वो लाल नीलम एक भयंकर और विनाशकारी पत्थर है। तुम उसके मुंह में फंसे हो। वो किसी को फलता है तो किसी को तबाह कर देता है। जरा सोच कर देखो, जब वो तुम्हारे पास नहीं था तब तुम ऐश कर रहे थे, तुम्हें कोई हाथ भी नहीं लगा पा रहा था। इस नीलम पर कब्जा करने के बाद तुम पकड़े गए, तुम्हें लंबी सजा हुई, जेल में तुम्हें हरिहर ने दगा दी। उसका क्या हाल हुआ ये तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। फिर उसने वो नीलम अपने गले में छुपाया। उस गले की क्या दुर्दशा हुई ये भी तुम्हें अच्छी तरह मालूम है। अगर अभी तुम अपना भला चाहते हो तो उस नीलम के मायाजाल से निकल जाओ। वापस कर दो वो नीलम। वो नीलम नहीं, तुम्हारे लिए एक जहरीला नाग है। अगर तुम उसे हाथों में पहनोगे वो तुम्हारे हाथों की हथकड़ियां बन जाएगा। अगर तुम उसे गले में पहनोगे वो फांसी की रस्सी बनकर तुम्हारी जान ले लेगा। तुम कुछ भी करो वो तुम्हारा सर्वनाश करके ही छोड़ेगा। तुम्हारे लिए उसकी नहीं चाहिए नीलम। मुझे नहीं चाहिए। ले जा नीलम, ले जा, ले जा नीलम। नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए नीलम, नहीं चाहिए मुझे।
मुझे नीलम नहीं चाहिए, मुझे बचा, मुझे बचा। नहीं, ये लीजिए आपका नीलम। धन्यवाद।